तहसील क्षेत्र के सफीलपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत की थी कि उनके खेत से संपर्क मार्ग पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। उसके पैमाइश के लिए लेखपाल ने रिश्वत की मांग की। सही काम के बदले भी पैसे मांगे जाने से क्षुब्ध होकर पीड़ित पक्ष ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में कर दी। इसी के चलते एंटी करप्शन टीम भी सक्रिय थी और मौका पाकर टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया और कोतवाली ले आई, जहां संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित लेखपाल को कोर्ट में पेश किया गया। आज क्या हुआ था आपके साथ? आज इन्होंने कही कि वो पैसे ले आओ और तो तुम्हारा नाप दंगे जाके। कितने पैसे मांगे थे? हमसे 10,000 रुपये मांगे कुलदीप ने। हाँ दे दिए? नहीं साहब, 2,000 रुपये पहले दे दिए, 5,000 रुपये आज दिए। चलो अंदर। चलो जी, क्या घटना हुई है? घटना थी जो हमारे गांव में इदरीस व फैयाद, नसीर व बशीर और उसके भाइयों ने चकमार नंबर गाटा संख्या 313 व खाते गड्ढे गाटा संख्या 306 पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसकी हमने पैमाइश संबंध में मंगल दिवस में एप्लीकेशन दी थी, जिस पर उपरांत पैमाइश करने नहीं गए लेखपाल। उसके बाद हमने जिला उप जिलाधिकारी महोदय बिलारी को 14/8/2019 को प्रार्थना पत्र दिया, उसके उपलक्ष में भी नाप तोल नहीं करना गया। हमसे कहता था कि 5,000 रुपये दो तो मैं घूर घटी छुपाऊंगा। आज की घटना क्या है? आज की घटना, इसने हमें 5,000 रुपये लेकर बुलाया था, जो 5,000 रुपये दो और मैं घूर घटी। किसने बुलाया था? कुलदीप लेखपाल ने फ़ोन करके। कौन सी तहसील के? बिलारी। तो फिर क्या हुआ उसके उपरांत? हमने एंटी करप्शन से कल मिले और संबंध में हमने ये काम कार्रवाई कराई। तो कहाँ पकड़े गए? ये पकड़े गए थे बालाजी के बराबर में होटल है, उस वहाँ पे पैसे देते हुए पकड़े हैं। पैसे देते हुए रंगे हाथ। आज की घटना के बारे में बताएं साहब, आज की घटना जो हुई है क्या मामला था? दिनांक 2/9/2019 को शिकायतकर्ता श्री इशाक निवासी सफीलपुर ने हमारे मुरादाबाद इकाई में भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई में शिकायत की थी कि उसके गांव में जो लेखपाल है श्री कुलदीप सक्सेना, वो उनसे चक्रोड़ और खाल के गड्ढों से कब्जा हटवाने और पैमाइश कराने और अग्रिम कार्रवाई कराने के लिए 5,000 रुपये की मांग कर रहा है। इस मामले की जांच हमने अपनी रूप से कराई तो लेखपाल की ख्याति उस तरह की पाई गई और आज हम लोगों ने इस लेखपाल को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये रिश्वत के लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अग्रिम इसके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया था? तहसील बुलारी के सामने चाय की दुकान। सर ऐसा कोई मामला पहले भी कोई आया था? ऐसा मामला